थैंक यू। एक बात पूछूं नेहा? जी। मैं अब भी अपने एतमाद की गिरा तुम्हारे दिल में मजबूत नहीं कर सका ना। मैंने कहा ना आसिम, मैं सब भूल गई हूँ, और बेहतर होगा आप ही बार बार एक बात को दोहरा कर खुद को अज़ियत ना दें। इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर पहले वाला सुकून और इत्मीनान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस घर में आपके अलावा और लोग भी हैं जो मुझे शक की नजर से देखते हैं। कौन शक कर रहा है तुम पे? अम्मी, पता, आज मैं फरी आंटी से बात कर रही थी, अम्मी ने शक के बिना पर मुझसे फोन लिया और खुद बात करने लगी। देखो नेहा, मैं तुम्हें अपना यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन कोई और क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अब परवाह मत करो। अम्मी क्या कह रही हैं, बहनों का क्या रहते अमल है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिंदगी हमें साथ गुजारनी है ना। दूसरों की बातें सुनूंगी तो हमारी जिंदगी, हमारा रिश्ता खराब होगा, और ये मैं नहीं होने दूंगा। इतने दिनों में मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। आसिम, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। तो बस फिर तय हुआ कि हम दूसरों की बातों पे कान नहीं धरेंगे, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे आखिरी सांस तक।